आप सबका स्वागत है सालू फूड किचन में। मैं हूँ सालू। आज हम लोग खट्टी मीठी कैंडी बना रहे हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि खट्टी मीठी कैंडी कैसे बनती है और उसकी रेसिपी कैसे है ये जान लेते हैं। चलिए, ये इमली है, ये इमली लिया हुआ है मैंने, और इसको गर्म पानी में जो है आधा गिलास गर्म पानी करके इसको हमने आधे घंटे के लिए सोक किया हुआ था। देखिए अब तो ये सोक हो चुका है और इसी से आज हम लोग खट्टी मीठी कैंडी बनाएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा हाथ से ही प्रेस करेंगे क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं, इसके बीए होते हैं, इसको हम लोग को निकालना है। इसको अच्छे तरह से हम लोग हाथ से ही जो है स्ट्रगल करेंगे क्योंकि स्पून की सहायता से ये निकलती नहीं है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल हाथ से ही करेंगे। और खाने में बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी लगती है ये। अगर आप लोग को पेट से खाने में अपच हो जाता है तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं खाने में, बहुत अच्छी लगती है ये कैंडी। आई होप को आप लोग को पसंद आया आज की रेसिपी हमारी। देखिए हम लोग इस तरह से हो गया है ये, देखिए इस तरह से ये चलनी है और चलनी से हम लोग को इसको छान लेना है। अब हम लोग स्पून की सहायता से इस तरह से हम लोग पूरा पल्प जो है इसका हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारा पल्प इसका निकाल लिया है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, गुठली वुठली कुछ नहीं है। देखिए इस तरह से ये हमारी 250 ग्राम इमली है और उसको आधे गिलास गर्म पानी में हमने सोक किया हुआ था आधे घंटे के लिए। अब हम लोग एक पैन लेंगे कढ़ाई और गैस ऑन करते हैं और इसी में हम लोग को ये पल्प जो लिया था हमने इसको डाल लेना है। इसको साइड में रखते हैं। इसको गरम करते हैं हम लोग। अब ये 250 ग्राम हमारी इमली थी और ये हमारी जैगरी है जिसको गुड़ कहते हैं। ये 5-6 भेली होती है ना, भेली में आती है इतनी बड़ी बड़ी, तो ये 5-6 भेली को मैंने इसको इस तरह से कूट लिया है। किसी तरह से भी आप लोग तोड़ लीजिएगा। ये 5-6 भेली है यानी कि 100 ग्राम ये गुड़ होगा। ये तो इसको हम लोग इसी में ऐड करेंगे क्योंकि इमली जो है थोड़ी सी खट्टी होती है और मीठा अपने कम ज़्यादा हिसाब कर सकते हैं खाने के हिसाब से आप। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस देगा ये गुड़ जो है, जैगरी हमारी जो है इस। अब इसको हम लोग मेल्ट होने तक हम लोग पकाएंगे। अब इस तरह से हम लोग चलाते जाएंगे कि नीचे में गुड़ है ना तो लग जाती है, तो लगे ना और स्मूथली जो है कि हमारी कैंडी जो अच्छी सी बन जाए। ये हम लोग को पकाना है कि जब तक ये जो है कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए और थोड़ी सी ये हमारी जो पल्प है इमली की ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। एक डो की तरह हम लोग इसको प्रिपेयर करना है। देखिए हम लोग को गुड़ स्टार्ट हो गया है इसको मेल्ट होना। देखिए हम लोग की ये जो इमली और गुड़ है जो हम लोग ने मेल्ट किया था, देखिए अच्छी तरह से अब ये खोल रहा है। अब चलिए इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी मसाले ऐड करते हैं। ये व्हाइट सॉल्ट है आधा चम्मच टीस्पून, जो नॉर्मली नमक होता है वो हमने डाला है आधा चम्मच। ब्लैक सॉल्ट है एक चम्मच। आधी चम्मच हम लोग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा ही चम्मच हम लोग चाट मसाला डालेंगे।
ये खट्टी मीठी हम लोग ये कैंडी बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग ये सब ऐड करेंगे। अच्छी तरह से फिर से हम लोग मिक्स कर लेते हैं, इसको स्टर कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा, देखिए हमने मसाला जो ऐड किया था अच्छी तरह से हम लोग ने मिक्स कर लिया। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ये गाढ़ी हो रही है, अभी हमको और इसको गाढ़ा करना है। ये जब गाढ़े हो जाएगी ये तब ये डो की साइड से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नीचे एक घंटी होती है उसको प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए थोड़ी सी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कैंडी की ट्राई करके जरूर बताइएगा। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा देखिए गाढ़ा होने लग गया है, साइड से भी निकाल लेंगे हम लोग। और इसको इसी तरह से स्ट्रगल करना ही रहना है, इसको इस तरह से चलाते रहना है कि नीचे हमारी कैंडी पल्प जो है लग ना जाए। थोड़ा सा हम लोग और गाढ़ा इसको करेंगे, ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने जैगरी डाली हुई है, जैगरी अपने आप ही कड़ी हो जाती है। इसी टाइम पे हम लोग को एक चम्मच जो है देसी घी डालना है, चाहे आप बटर भी डाल सकते हो, ज्यादा नहीं डालना है बस एक चम्मच। अब ये जो है ये हो चुका है, अब थोड़ा ठंडा होगा तो ये गाढ़ा अपने आप हो जाएगा। और इसको हम लोग गैस ऑफ करते हैं और इसको ठंडे होने के लिए रख देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और ये ठंडा ठंडा हो जाए। देखिए अभी ये ठंडा हो चुका है, देखिए इस तरह से पूरा ठंडा इस तरह देखिए हो जाना चाहिए। अब इस तरह से हम लोग की प्लास्टिक हम लोग लेंगे, अगर ये रैप हो पैकिंग रैपर हो तो उससे आप काम चला सकते हैं, लेकिन आज मेरे पास पैकिंग रैपर नहीं है तो ये किसी तरह से कपड़े में ये रैप आती है, तो आप इसको अच्छी तरह से पोंछ के और इसको इस तरह से कैंची से काट लेना है इस तरह से टुकड़ों में। और ये हमने पीसी हुई चीनी ली हुई है, और अब एक चम्मच हम लोग इस तरह से डो उठाएँगे और हाथों में इस तरह से पीसी हुई चीनी हम लोग हाथ में लगाएंगे और इस तरह से हम लोग टॉफी का शेप हम लोग इसको अच्छी तरह से दे देंगे। इसको फिर से हम लोग चीनी के इसमें, ये पीसी हुई चीनी है, घर में नॉर्मल जो चीनी आती है आप उसी को ग्राइंड कर लीजिएगा मिक्सर में तो आपका ये पाउडर फॉर्म बन जाएगा। अब इस तरह से रैप में हम लोग को क्या करना है, इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको टॉफी की शेप दे देनी है। देखिए इस तरह से, ये थोड़ा सा ये गर्म है अभी तो थोड़ा हाथ संभाल के करिएगा। जैसे हम लोग चीनी में इसमें पीसी हुई चीनी में हम लोग लपेटेंगे हम लोग, देखिए इमली कैंडी बनके तैयार है। ये गोल शेप में भी हम लोग बनाई है, ये लंबी शेप में बनाई है, तो बहुत ही इजी है और आप इसको स्टोर करके महीने भर के लिए रख सकते हैं और फ्रिज में ही स्टोर करके रख सकते हैं ये, और 15 दिन के लिए स्टोर कर दीजिए इसको और आराम से आप खा सकते हैं। जब पेट उट में अगर दर्द उर्द हो तो इसको आराम से हाजमा के लिए आप लोग ले सकते हैं। तो आपको इमली कैंडी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल और Facebook दोनों पे ही फॉलो कीजिएगा मुझे। तब तक मैं नई रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय।